हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एप्पल का हलवा। ये मैंने एक सेब लिया हुआ है, तो इसे छील के बारीक कद्दूकस कर लेते हैं। तो एप्पल को मैंने ये कद्दूकस कर लिया है, मैंने इसका छिलका नहीं उतारा। आप चाहें तो इसका छिलका भी निकाल सकते हैं। और ये हलवा फ्रेंड्स, आप व्रत में आप बहुत ही आसानी से खा सकते हैं, कम समय में बन के तैयार हो जाता है। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं रख दिया एक पैन, और अब इसमें डाल देती हूँ मैं 3 से 4 चम्मच। मैं इसमें घी डाल रही हूँ, क्योंकि इसे व्रत के लिए हलवा बना रहे हैं, तो आप इसे घी का यूज़ करें और काफ़ी टेस्टी भी बनता है घी में। बस ऑयल गरम हो जाए, इसमें मैं डाल देती हूँ ये कद्दूकस किया हुआ सेव कमीशन। और इसे हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, और इसे लगातार इस तरह से चलाते हुए हम भून लेंगे, जब तक इसका पानी सारा सूख ना जाए। हलवा तभी बहुत अच्छा बनेगा। तो इसे हम इस तरह से हाई फ्लेम पे थोड़ा सा चलाते भून लेंगे, सेब का कच्चापन है वो निकल जाए और पानी सब सूख जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है, और ख़ासकर बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। जब भी एक बात का ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब भी आप हलवा बनाएं तो एप्पल को उसी टाइम कद्दूकस करें, नहीं तो ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाता है। से भून लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो गया है फ्रेंड्स हलवे का मिश्रण, उसका पानी सारा सूख चुका है। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे, तो चीनी मैं यहाँ पे 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो आप कम या ज़्यादा, जैसा आप मीठा पसंद करते हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए, और इसे भी हम चीनी को मेल्ट होने तक अच्छे से ये हलवा पक के तैयार हो जाए, तब तक इसे भून लेंगे इसी के साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेब का हलवा हमारा रेडी है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, सेब का हलवा तैयार है। व्रत के लिए खास रेसिपी है फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। दुर्गा किचन को ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।